अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हफ्सा खालिद और आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। आज हम जिस शख्सियत के साथ मौजूद हैं वो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, राइटर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और फाउंडर हैं गर्ली थिंग्स की, तंजीला खान। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि गर्ली थिंग्स आखिर ये क्या है? ओके, सो गर्ली थिंग्स एक ऐसी सर्विस है जो हमने खवातीन के लिए शुरू की है कि उनके जो भी मंथली प्रोडक्ट्स होते हैं जो वो अक्सर मार्केट में जाकर लेने से या किसी के हाथ मंगवाने से थोड़ा सा शाय फील करती हैं, हम चाहते हैं कि वो उन तक पहुंच जाएं और ये प्राइवेसी सिर्फ हमारे उनके बीच में रहे, वो हमसे कॉल करके पूछ सकें क्या क्या स्टॉक है, क्या क्या प्रोडक्ट उनके लिए बेहतर है, कोई मेडिकल इशू है तो वो डिस्कस कर सकें। तो एक पूरी मुहिम है टू मेक श्योर कि खवातीन के प्रोडक्ट्स उन तक पहुँचें और बीच में कोई तीसरा बंदा ना हो, ताकि उनको फील हो कि ये ताकत उन्हीं के पास है कि वो अपने प्रोडक्ट्स ले सकती हैं। ये सर्विस पूरे पाकिस्तान में मौजूद है और अभी कोविड टाइम्स में हम लोग बहुत सारे हाइजीन पैक्स भी डिलीवर कर रहे हैं, इमदाद भी कर रहे हैं और ये भी हम उम्मीद रखते हैं कि अब जब इवेंट्स होंगे हमारे मुल्क में इंशाल्लाह वेरी सून, तो उनको पेन, फाइलें, कप और क्लॉक देने की बजाय जो स्पॉन्सर्स हैं वो ये हाइजीन पैक्स प्रोवाइड करेंगे दोनों को, जेंट्स को भी और लेडीज़ को भी, और वो हम ही से बनवाएंगे। मैं इनसे जानना चाहूँगी कि 16 साल की उम्र में इन्होंने किताब लिखने का ख्याल इनको कैसे आया? अबाउट द बुक कि किताब मैंने कैसे लिखी, तो मुझे रीडिंग का पहले से ही बहुत ज़्यादा शौक था और मैं चाहती थी कि मैं अपनी भी एक किताब लिखूँ। और उस वक्त शायद आपकी छोटी एज होती है, आपको पता नहीं होता कि इसका मतलब क्या है, लेकिन जब आप अपनी किताब लिखते हैं तो आप खुद को डॉक्यूमेंट कर रहे होते हैं अगली जनरेशन्स के लिए। तो ये जो एक मशगला है ये बहुत सीरियसली लेना चाहिए है रीडिंग और राइटिंग का, और मेरे लिए बुक लिखना आई थिंक वो मेरी एक पहचान बदलने के बराबर था। राइट, चलिए, बुक तो आपने लिखी सो लिखी, लेकिन आपने एक डॉक्यूमेंट्री भी तो प्रोड्यूस की है फ्रूट चार्ट के नाम से, वो प्रोड्यूस करने का क्या एक मकसद था, उसकी मोटिवेशन आपके कहाँ से आई और आपने उसका नाम फ्रूट चार्ट ही क्यों रखा? मुझे उम्मीद है कि आपने वो फिल्म देखी होगी, है ना। फ्रूट चार्ट बेसिकली एक शॉर्ट फिल्म है, एक कॉमेडी फिल्म है डिसेबिलिटी के ऊपर। जैसा कि आप देख सकती हैं कि देखने में तो मैं व्हीलचेयर पे हूँ, मेरी एक डिसेबिलिटी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरी ज़िंदगी बहुत दुखी है, बड़ी ट्रैजिक है और ज़िंदगी में कोई मज़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है करने को। तो मुझे लगता है कि हम एक गलत रिप्रेजेंटेशन देते हैं कि अगर इंसान के साथ कोई हादसा हो भी गया तो वो दुखी रहे, ऐसा नहीं होता। तो हमने एक कॉमेडी फिल्म बनाई है डिसेबिलिटी के ऊपर जिसका नाम फ्रूट चार्ट रखा, और फ्रूट चार्ट एक सिंबॉलिज्म भी है क्योंकि आई एम एक्टिंग इन इट। तो हमने थोड़ा सा विमेन के इश्यूज़ को भी हाईलाइट किया उसके अंदर कि खवातीन को किचन में ही एक्सपेक्ट किया जाता है कि वहीं बनी रहें और उनकी जितनी भी सलाहियत है, टैलेंट है, वो किचन तक महदूद रहे। नो डाउट खाने पीने का किसको शौक नहीं होता, लेकिन आई थिंक उससे बाहर निकल के भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, तो इस फिल्म के थ्रू आप वो देख पाएंगे। अच्छा, आप ह्यूमर कैसे ऐड करती हैं इस सिचुएशन में अपनी लाइफ के अंदर, जिस तरह आपने फ्रूट चार्ट प्रोड्यूस की है उसके अंदर भी आपने कोशिश किया कि आप ह्यूमर डाल सकें, तो ये कहाँ से मोटिवेशन आती है आपके अंदर? आप यकीन नहीं करेंगी हफ्ज़ा कि ये जितने भी आपने इंसिडेंट्स देखे हैं ना उस फिल्म के अंदर, वो कहीं ना कहीं मेरे साथ रियल लाइफ में हो चुके हैं, एंड अगर मेरे साथ नहीं है तो शायद किसी और के साथ, और वो वाक्या मेरे जहन में रह गया हो, लेकिन उसमें कुछ भी फॉल्स नहीं है, ये रियल लाइफ सिचुएशंस हम सबके साथ होती हैं। हम बड़े मासूम लोग हैं, हम गलतियाँ करते हैं फिर उसमें पर्दा डालते हैं। आई थिंक उन लम्हों पे खुद पे हंसना ही चाहिए, आपको इतना सीरियसली लेकर उनको अपना कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना चाहिए। तो थोड़ा टाइम लगता है इस स्किल को डेवलप करने में, बट मुझे लगता है मेरा जो ह्यूमर आता है ना वो मेरी अपनी कोताहियों से, अपनी गलतियों से ही आता है। फिर मैं बैठ के बड़ा हंसती हूँ खुद पर, तो बड़ा मज़ा आता है मुझे अपनी तनकीद करके। अच्छा, आप काफ़ी इंटरनेशनल ट्रेवल भी करती हैं, तो जब आप वहाँ पे बहुत फेमस पर्सनालिटीज से मिलती हैं तो उनसे क्या बातचीत करती हैं आप? बड़ा मज़ा सवाल किया है आपने, और बिल्कुल ऐसा मौका आपको ज़रूर मिलता है कि आप उन लोगों की महफिल में हों जिनको आप टीवी पे देखते हैं, और कभी कभी तो मैं घंटों उनके साथ ग्रीन रूम में बैठी रहती हूँ। मुझे वो मौका मिला है कि मैं उनके साथ स्टेज को शेयर कर रही होती हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये है कि वो आम लोग हैं हमारी तरह, और हम उनको ग्लैमराइज करते हैं, समझते हैं कि वो बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पे, ऐसा नहीं है, उनके भी लाइफ के प्रॉब्लम्स हैं, वो भी कई मसलों से गुजर रहे हैं। मैं बैठी एक रियाद की, आई थिंक वो प्रिंसेस थी, तो वो जैसे कमरे में दाखिल हुई, सब खड़े हो गए, बट वो आराम से बैठी, मेरी वालदा मेरे साथ जाती हैं, उनके साथ बैठ गई, और अब यकीन नहीं करेंगी वो किचन के और नौकरों के मसले डिस्कस करना शुरू हो गए। ऑफ कोर्स वो लैंग्वेज का थोड़ा बैरियर था एंड ऑल, लेकिन आई कुड टेल कि यू नो दीज आर जस्ट टू वुमेन। तो मुझे लगता है मैं जब कनेक्ट करती हूँ लोगों के साथ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पाकिस्तान के बारे में एक पॉजिटिव इमेज सेट कर सकूँ,
हम आम घरेलू बातें करें और जान जाएं कि हम सब एक ही हैं। हिजाब, जैसे आप जानती हैं बहुत सारे ममालिक में इसको अच्छा नहीं समझा जाता, तो क्या आपको कभी कोई ऐसा चैलेंज फेस करना पड़ा है? मुझे कभी ऐसे डायरेक्टली तो कोई चैलेंज नहीं फेस करना पड़ा, लेकिन मैं एहतियात ज़रूर करती हूँ। मैं केयरफुल होती हूँ कि मैं किसी अगर महफिल में जा रही हूँ तो मैं अपने हिजाब को इस तरह से कैरी करूँ कि वो रिप्रेजेंट करे हमारे कल्चर को, हमारे रिलीजन को। कहने को तो ये एक रिलीजियस चीज़ नहीं है, इट्स मोर ऑफ कल्चरल थिंग। रिलीजन, हर रिलीजन में हया की बात की जाती है, हर रिलीजन में मॉडेस्ट वेयर की बात की जाती है। आप क्रिश्चियनिटी को उठा के देख लें तो उसमें भी खवातीन, आप पुराने ज़माने की देखें तो वो सर को कवर करती थी। हिंदू कल्चर को उठा के देखें, अभी भी खवातीन इतना बड़ा घूंघट करके फिर रही होती हैं। और कल परसों ही हम डिस्कशन कर रहे थे कि हिंदू कल्चर में तो औरतों को अपने मियाँ से भी पर्दा करना होता है अगर वो घर में फिर रही हैं। तो आई वोंट से इट्स अ रिलीजियस थिंग, इट इज़ अ स्टेटमेंट, इट इज़ a way to carry yourself, and I really enjoy it. मुझे बड़ा मज़ा आता है। ये भी एक अनफॉर्चुनेट बात है कि जब से मैंने हिजाब लेना शुरू किया तो लोगों का रवैया मेरी तरफ चेंज हो गया, कुछ बेहतर, कुछ गलत हो गया। लेकिन मुझे लगता है ये गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। आपको हर किसी को इज्जत देनी चाहिए रिगार्डलेस ऑफ व्हाट दे आर वेयरिंग, और यही आपकी वैल्यू होनी चाहिए। चेंज, किस किस्म का चेंज? अक्सर भवसा मुझे लगता था कि जो लोग मुझे सलाम नहीं करते अब गुजरते हुए सलाम करते हैं, ठीक है। और ये मुझे इसलिए पता है क्योंकि तब मैं कॉलेज में थी जब मैंने शुरू किया था, तो वो लोग गुजर जाते थे। फिर जब हिजाब लेना शुरू किया, एक्चुअली मैंने हज के बाद लेना शुरू किया था, तो मैं हज के बाद जब वापस आई उनको नहीं पता मैंने हज किया है उनको तो सिर्फ हिजाब दिख रहा है, वो गुजरते थे सलाम करते थे। मैंने कहा हिजाब ने कुछ चेंजेस तो लाए हैं। और नेगेटिव चेंज ऐसे हुआ कि लोगों को लगना शुरू हो गया कि शायद मैं थोड़ी बैकवर्ड हूँ। जैसे मेरे कॉलेज में एक दोस्तों का ग्रुप था, वो एक पूल पार्टी अरेंज कर रहे थे। अब वो क्या होगी, एक वो इन्फ्लेटेबल पूल होगा, उसमें पानी होगा, सब घुस के बैठ जाएंगे उसके अंदर, थोड़ी बातें करेंगे, निकल के चाय पियेंगे। तो आई रिमेंबर एवरीबडी वॉज डिस्कसिंग दैट एंड नोबडी इन्वाइटेड मी, हालांकि मैं रोज़ उन्हीं के साथ हूँ सब कुछ। बाद में मैंने पूछा, मैंने कहा क्या चक्कर था? उनका अब तुम हिजाब, आई थिंक यू चेंज एन ऑल जॉब एंड ऑल। मैंने कहा आई स्विम इन एन एक्चुअल पूल, ठीक है, तो व्हाई डिडंट यू इनवाइट मी? तो मुझे लगा ये कहीं ना कहीं सोच पिंच हुई है, चेंज हुई है। नेगेटिव बातें तो हर कोई करता होगा, आपसे आपके चैलेंजेस पूछता होगा, कौन कौन सी सिचुएशंस आपने फेस की सब पूछते होंगे। आपकी लाइफ में कोई फ़नी इंसिडेंट भी तो हुए होंगे, उनके बारे में हमें कुछ बताइए। अच्छा, वैसे फ़नी इंसिडेंट्स तो बहुत सारे हुए हैं, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी। एक जो इस वक्त मेरे जहन में आ रहा है वो मेरे साथ हुआ था जब मैं कॉलेज में थी, नहीं यूनिवर्सिटी में थी, PIFT में। मैं एक साल के लिए वहाँ पे पढ़ने के लिए गई थी, डिज़ाइनर बन रही थी, बट वो प्लान नहीं कामयाब हो सका तो मुझे छोड़ के कुछ और करना पड़ा। तो वहाँ पे हमारे ड्राइंग के जो टीचर थे सर मुफ़खर, वो सुन रहे होंगे क्योंकि वो बड़ा मुझे फॉलो करते हैं और मैं उनके साथ कनेक्टेड रहती हूँ। बड़े स्ट्रिक्ट थे लेकिन कमाल के टीचर थे। एक और टीचर थे सर मताए। सो ये दो टीचर्स थे हमारे ड्राइंग के। और एक दिन जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी गई तो मेरा टायर पंक्चर हो गया, तो मैं सर मताइब के पास गया, मैंने कहा सर देखें, मैं सर मुफ़खर के पास गया, मैंने कहा सर देखें मेरा टायर पंक्चर हो गया, मुझे आप इजाज़त दें कि मैं अपनी सीनियर की गाड़ी पर जाके पंक्चर लगवाऊँ। सर ने कहा बिल्कुल जाओ। अब जब हम गए तो थोड़ी देर होगी, थोड़े से हम गोलगप्पे भी खाना शुरू हो गए वहाँ पर। हर स्टूडेंट की कहानी, मैं कैसे पीछे रह सकती हूँ। तो जब हम वापस आए तो यूनिवर्सिटी ख़त्म हो चुकी थी, लेने वाले आ चुके थे, हम घर चले गए। अब अगले दिन मुझे पता नहीं क्या सूझी, मैं क्लास में गई नहीं, अपनी ड्राइंग की क्लास में मैं नहीं गई। और मेरी दोस्त का मुझे फ़ोन आया, उन्होंने कहा तंजीला तुम कहाँ पे हो? मैंने कहा मैं आ गई हूँ, मैं कैफ़े में बैठ के चाय पी रही हूँ, तो मैं थोड़ी देर बाद आऊँगी। कहती है तंजीला आज मिड टर्म है। मैंने कहा रियली, ये कब हुआ है? एंड शी सेड तंजीला आज मिड टर्म है, जल्दी पहुँचो। मैं वहाँ से अपने डीन के ऑफिस गई, वहाँ से मैंने एक एप्लीकेशन लिखी, आई एम सो सॉरी आई वाज लेट इन द मॉर्निंग, और मैं सच बोल दिया कि मेरा दिल नहीं चाह रहा था, नॉट इन अ गुड फीलिंग राइट नाउ, नॉट इन अ गुड मूड, तो प्लीज़ मुझे एक्सक्यूज़ कर दें, मुझे प्लीज़ मिड टर्म देने की इजाज़त दे दें आप। वो मैंने ऐसे पर्ची फोल्ड की, एप्लीकेशन मेरी जेब में थी, और मैं ऐसा ऐसा क्लास की तरफ जा रही हूँ, और मैं देखती हूँ कि सर मुफ़खर और सर मताइब जो कि मेरे क्लास टीचर से इकट्ठे बैठे थे, एंड आई हैड टू फेस देम बोथ। और मैंने कहा सर मुफ़खर ने तो मुझे कल भी इजाज़त दी थी, आज तो वो मेरा हो सकता है बकरा ईद कर देंगे मेरी। उनके पास मैं गई और मैंने कहा सर वो एक मसला था मुझे क्लास में। एंड इससे पहले कि मैं जुमला कंप्लीट करती, सर मुफ़खर ने टर्न किया सर मताइब की तरफ, कहा इसका बिल्कुल जेन्युइन मसला है, इसको क्लास में जाने दें। सर आपने इसको एक लफ्ज़ नहीं कहना। सर मताइब वाज़ लाइक, एक बच्ची 3 घंटे क्लास में लेट आ रही है, व्हाट इज़ हैपनिंग? मैंने कहा जी सर बिल्कुल। मैंने जेब में रखा अपना लेटर और मैं क्लास में चली गई, और मैंने क्लास में एंटर ही, एवरीबडी वाज शॉक्ड कि ये तो आराम से आ रही है, इसको तो निकाल देना चाहिए, ये 3 घंटे लेट मिड टर्म में जा रही है।
बट हुआ कुछ यूँ कि सर मुफ़क्कर को पिछले दिन की बात याद थी और उनको लगा कि शायद मैं वही बात करने दोबारा आ रही हूँ उनसे। तो फिर बाद में मैंने उनसे शेयर की ये बात, सर मुताब को भी बताया, बट गुड मेमोरीज एंड आई डिड स्कोर अ फाइन ग्रेड इन दैट ड्राइंग एग्जाम आल्सो। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम ऑल योर सोशल वर्क, आप अपनी डेली लाइफ कैसे इन्जॉय करती हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। मुझे लगता है कि आपकी जो डेली लाइफ हो वो ही एक वेकेशन की तरह हो, जो आपका काम हो वो एक वेकेशन की तरह हो, तो आपको उससे ब्रेक ना लेनी पड़े। मेरी ये वैल्यू है, मेरा ये एक मोटो है लाइफ का। सो व्हाट आई डू इज़ कि मैं अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करती हूँ कि अच्छा मुझे अपने टाइम देना है अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को, मेरी नीसेज हैं छोटी छोटी हैं, उनके बचपन को मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ। तो मैंने अपना टाइम ऐसे डिवाइड किया हुआ है और मैं कभी हेजिटेट नहीं करती खुद को पैम्पर करने से। अगर मेरे पास थोड़े से बजट हो तो आई गो फॉर अ स्पा, आई लाइक टू गिव गुड टिप, आई लाइक टू मेक एवरीबडी फील पैम्पर्ड, वहाँ जाके सबके लिए समोसे मंगवाना और पार्टी करना एंड देन बाय गिफ्ट्स फॉर माई फ्रेंड्स। और जब मैं ट्रैवल करती हूँ, व्हेन आई गो अब्रॉड, तो वहाँ पे कॉन्फ्रेंस के साथ साथ आपके पास थोड़ा सा टाइम होता है, वहाँ पे मैं लोकल कल्चर की क्लासेस लेती हूँ। जैसे आई टेक कुकिंग क्लासेस, आई टेक ब्यूटी क्लासेस, आई टेक लैंग्वेज क्लासेस। लास्ट टाइम आई वेंट टू बैंकॉक, आई टुक अ कुकिंग क्लास एंड आई टुक अ मेडिटेशन कोर्स। और इस बार भी मेरा इरादा है, इफ़ आई गो बैक आई एम गोइंग टू लर्न देयर ब्यूटी सीक्रेट्स एंड प्रॉब्ली डू अ कोर्स ऑन देयर हीलिंग पावर्स के, क्योंकि वो मसाज के लिए बहुत फेमस है थाईलैंड, बट दैट्स ऑल्सो यूज फॉर हीलिंग, तो आई एम गोइंग पुट माई हैंड्स टू गुड यूज़। कुकिंग की बात की आपने, सबसे अच्छा क्या बनाना आता है आपको? चाय। मेरे से अच्छी कोई चाय नहीं बना सकता, इम्पॉसिबल। और अब मैं सिर्फ अपने हाथ की चाय पी सकती हूँ, और आप यकीन नहीं करेंगे हफ्जा, मैंने चाय बनाना कोरोना टाइम्स में ही सीखा है। अभी पिछले 6 महीने में मैंने चाय बनाना सीखा है, और अब मैं अगर किसी के घर भी चली जाऊँ तो मैं कहती हूँ कि प्लीज़ माज़रत है, लेकिन चाय मैं आपके किचन में जाके अपनी खुद बनाऊँगी। फिर जब मैं बनाती हूँ तो वो सब पीते हैं, सबको अच्छी लगती है। हर इंसान का कोई ना कोई ड्रीम होता है अपनी लाइफ में, वो कोई ना कोई गोल अचीव करना चाहता है। आपकी लाइफ में क्या ड्रीम है, क्या गोल्स हैं आपके? बड़ा ही मुश्किल सवाल किए, और रोज़ नाश्ते की टेबल पे मेरे अब्बा भी मुझसे यही सवाल कर रहे होते हैं, और मुझे एक बात कहते हैं, तंजीला, डोंट बिकम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन। और थोड़ी सी हमारी बहस होती है, बट बाय द एंड ऑफ द डे आई डू एग्री विथ हिम कि कहीं ना कहीं आपको महारत हासिल करनी चाहिए एक ही फील्ड में। मुझे लगता है जो मेरा पैशन है वो वुमेंस हेल्थ है, मुझे वो बहुत सेंट्रल चीज़ लगती है किसी भी ग्रोथ के लिए। अगर आप खुद को नहीं जानेंगी, अपना ख्याल नहीं रखेंगी, आपका कॉन्फिडेंस बाहर नहीं आएगा, और कॉन्फिडेंस इज़ एवरीथिंग हफ्जा। कॉन्फिडेंस के बगैर कुछ भी करना ना ऐसे है कि बिरयानी में से आप सारा मसाला निकाल दो और सिर्फ लौंग छोड़ दो, ठीक है? तो हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्थ गिव्स यू दैट कॉन्फिडेंस। इसीलिए मैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे काम करती हूँ, और उसके बारे में अवेयरनेस भी लेकर आती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि खवातीन तक वो उनके मखसूस प्रोडक्ट्स भी पहुँचें, ताकि वो किसी पे डिपेंड ना करें, उनको शाइनेस ना हो, उनकी बॉडी की ऑटोनॉमी उनके हाथों में हो। और यही मेरा ख्वाब है कि जब पाकिस्तान की औरत जब घर से बाहर निकले तो लोग पहचाने कि ये एक एम्पावर्ड औरत है, ऐसा होना चाहिए, आइडियलाइज करें हमको, और इंशाल्लाह वो दिन ज़रूर आएगा। आखिर में तंजीला, आपने देखा होगा बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में हार मान चुके होते हैं, चाहे वो मेंटल हेल्थ से गुजर रहे हों, चाहे उन्हें फिज़िकल डिसेबिलिटी हो, किसी तरह की भी सिचुएशन से गुजर रहे हों, वो अपनी लाइफ में हार मान लेते हैं और समझते हैं कि ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है उनके लिए। आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं उनको एक वाक्या सुनाती हूँ अपनी लाइफ का। आप इमेजिन करें, मैं तकरीबन कोई हूँ 13-14 साल की, ये मेरी किताब लिखने से पहले की बात है, और हम जिस घर में रहते हैं वहाँ पे कमरे में एक ही एसी चलता है, और पूरी फैमिली एक ही कमरे में सो रही है, और बहुत सारे घरों में होता है विच इज़ वेरी गुड, एंड मैं उस कमरे में नहीं हूँ क्योंकि मैं बाथरूम में हूँ, और कमोड की ऐसे सीट नीचे करके उसके ऊपर ढकना दे के मैंने उसके ऊपर किताब खुली हुई है, हैरी पॉटर, और मैं वो किताब पढ़ रही हूँ, ठीक है? और सख्त गर्मी है बाथरूम में क्योंकि बाथरूम में पंखे नहीं होते हैं, और बाहर सख्त ठंड है, कंफर्ट में सब सो रहे हैं, और मैं वो किताब पढ़ भी रही हूँ, साथ साथ अपनी कुछ नज़में भी लिख रही हूँ, अपने कुछ और गोल्स भी लिख रही हूँ, और मैं खुद से एक बात कह रही हूँ, तंजीला आज तुम्हारी रियलिटी ये बाथरूम है, कल तुम्हारी ये रियलिटी नहीं होगी, लेकिन उसके लिए एक ही काम करना है कि आपको इस बाथरूम में बैठ के अपना काम करना है। तो जो किताब आप जिक्र कर रही थी उसका बहुत बड़ा हिस्सा मैंने उस बाथरूम में लिखा है, और मुझे इस बात में कोई शर्म नहीं है एडमिट करने में। मेरी तरक्की में सबसे बड़ा जो हाथ है वो उस हिम्मत का है, वो जो मुश्किलात के सामने आप डट के खड़े हो जाएं और ख़ुद से कहें कि आज तुम्हारे सामने ये बहुत बड़ा सांप है, कल को खजाना होगा, लेकिन लगे रहो, लगे रहो। तो आई थिंक फॉर मी
दैट इंसिडेंट, वो बाथरूम उसकी गर्मी मुझे याद आती है. अब जब मैं किसी बड़े से हॉल में जाके स्पीच देती हूँ ना, जब उसकी ठंडक पहुँचती है मुझे, फिर मुझे वो बाथरूम याद आता है. सो आई थिंक दिस इज़ व्हाट द लाइफ इज़. और आज आपके हालात हैं, कल नहीं होंगे, ये अब आप पे डिपेंड करता है, तो लगे रहें. थैंक यू सो मच तंजीला, आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा हमें. तो व्यूवर्स, आज हमने एक ऐसी एनर्जेटिक खातून के साथ अपना वक्त गुजारा है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस को ओवरकम करने के बाद एक मोटिवेशन बन के दूसरों के लिए सामने आई हैं. इसी तरह की और स्टोरीज के साथ हम फिर हाजिर होंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.